वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुभव कुकिंग स्टोरीज़। तो आज मैं एक अलग तरीके का नाश्ता बनाने जा रही हूँ, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए मैं बताती हूँ मैं क्या बनाने जा रही हूँ। उसके लिए जो हमें सामान की आवश्यकता वो मैं दिखा दूँगी। पहले मैं दिखा देती हूँ आपको क्या क्या सामान लगेगा। ये मैंने एक कटोरी लगभग सूजी ले ली है, रवा है बिल्कुल एक महीन वाला ये रवा लिया है मैंने, जीरा, सौंफ और ये मैंने सरसों के दाने ले लिए, हल्दी पाउडर, थोड़े से तेल लेना है, सफ़ेद तेल ले सकते हैं, आपके पास सफ़ेद नहीं हो तो आप काले भी ले सकते हैं। ये मैंने कसूरी मेथी ले ली है थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। और लगभग एक चम्मच मैंने टमाटो केचप ले लिया है, स्वाद अनुसार नमक, हरी मिर्ची 3 से 4 कटी हुई, एक बड़ा सा प्याज मैंने ऐसा रफली देखिए इस तरीके से चॉप कर लिया है, लगभग थोड़ी सी आधी कटोरी मैंने मूंगफली ले ली है, ये करी पत्ता लिया है, ये ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स के पैकेट लिए हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपना पानी गर्म करना है, तो आइए सबसे पहले अपना कढ़ाई में पानी गर्म करते हैं। सबसे पहले मैं पानी में ऐड कर रही हूँ नमक, थोड़ा सा इसमें नमक डाल दिया है मैंने, और अब हम इसमें अपनी डाल देंगे सूजी, एक कटोरी भर के इसमें मैंने सूजी डाल दी है अपनी, जिसको रवा बोल सकते हैं, एकदम महीन वाला लिया है मैंने, और इसको चलाते रहेंगे लगातार। आपको जितनी क्वांटिटी में बनाना है उस हिसाब से सूजी ले सकते हैं। इसको मैं लगातार चलाते हुए गाढ़ा होने तक पकाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा सूजी कुछ इस तरीके से एकदम गाढ़ा हो जाएगा। इसको हम निकाल लेंगे और ठंडा करके थोड़ा सा इसको और गाढ़ा करेंगे, और ठंडा करके बिल्कुल आटे जैसा इसको मलना है। तो इसको थोड़ी देर और पकाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके से गाढ़ा बैटर हो जाता है। आराम से इसका आप तेल लगा लगा के ऐसे रोल बना बना के इनको रख सकते हैं भाप में। तो आइए दिखाते हैं आपको मैंने कैसे भाप में रखा है उसको पकने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से जाली नीचे पानी गर्म होने रख दिया, भगवान ने इसके ऊपर एक जाली रख दी, उस पर तेल लगा लिया था, और ये मैंने इसके छोटे छोटे ऐसे बॉल्स बना के उनको ढक के पकने रख दिया है। जब ये पक जाएंगे तो फिर हम इसकी और बाकी तैयारी करेंगे। क्या होता है ना, जब इसको हम बनाते हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाथ बहुत मैशी हो रहे हैं, बहुत हाथ गीले गीले हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो बनाने में थोड़े से आपके होंगे। अगर आप में से थोड़ा सा बैटर गीला हो गया था, आप इसको थोड़ा सा और कढ़ाई में चला लेंगे तो अच्छा सूखा बैटर तैयार होगा। तो आप इसको आराम से थोड़ा और कढ़ाई में देर तक चला सकते हैं रवे को, सूजी को, तो वो थोड़ा अच्छा टाइट बैटर तैयार होगा। तो मैं तो ऐसे अब हो गया था तो फिर मैं ऐसे ही बना रही हूँ। तो चलिए अब हम इसको आगे स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें, और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको आराम से मिल जाए। तो चलिए अब इसकी मसाले की तैयारी करते हैं। हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे सरसों के दाने, जीरा, थोड़ी सी सौंफ, सफ़ेद तेल, थोड़ी सी मूंगफली, इनको अच्छे से सौते करना है। फिर हम इसमें डाल देंगे अपना करी पत्ता, हरी मिर्ची, और हम इसमें डाल देंगे अपना कटा हुआ प्याज, और इसको अच्छे से भूनना है। थोड़ी सी इसमें हल्दी डालेंगे कलर के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा नमक, नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि मेरा नमक उसमें जो बैटर हमने बनाया उसमें पड़ा हुआ है ऑलरेडी। तो ये देखिए इसको अच्छे से चलाते हुए, कश्मीरी लाल मिर्ची थोड़ी सी कलर के लिए, अच्छे से चलाना है। तो देखिए ये मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, तो अब इसको हम गैस को बंद कर देंगे, और जब हमारे वो बन जाएंगे तो उनको ठंडा करके इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बन के तैयार है हमारे। अब इसमें हम डालेंगे अपना केचप, शाम की छोटी मोटी भूख के लिए आप बच्चों के लिए बना सकते हैं, बहुत ईजी वे में बन जाते हैं। इसमें डालेंगे हम अपना ऑरिगेनो, इसमें आप चीज़ भी ग्रेट कर सकते हैं। इसमें मैंने एक ऑरिगेनो डाल दिया है,
और मैं एक इसमें चिली फ्लेक्स डालूँगी। ये मैंने डाल दिया इसमें चिली फ्लेक्स। आप इसमें चीज़ भी ग्रेट कर सकते हैं अगर आप खाना चाहें तो। देखिए बन के तैयार है हमारी फटाफट बनने वाली रेसिपी, बहुत टेस्टी बनती है यकीन मानिए, मैं आपको खा के दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत टेस्टी बनी है, आप भी बनाइए अपने घर में, बच्चों को खिलाइए। और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। थैंक यू।